हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर्स। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का कुछ स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ, साथ में आपको ये बताऊँगी इस कंपनी का शेयर कहाँ पे आपको बाय करना है, कहाँ पे आपको एंट्री बनानी है, कितना क्या टारगेट रखना है, कितना सपोर्ट लेना है, कितना रेजिस्टेबल लेना है, लाइक ये सारी चीज़ अगर हम बात करेंगे इसकी वीडियो में। सो गाइस, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की यहाँ पे बात है, स्टॉक का जो क्लोजिंग हुआ ट्यूसडे के दिन वो हुआ 194.85 पे। स्टॉक ने 2.88% का मोमेंटम था पर शेयर के पीछे। प्राइस वाइज देखिए 5.45 रुपीज़ का क्या है रिटर्न दिया है। स्टॉक की बात करें, स्टॉक का अगर आप यहाँ पे देखें भी तो कंपनी का लॉट साइज कितना है, 8,850 का इसका क्या है लॉट है। सिर्फ एक लॉट इसका 8,850 का इसका लॉट है। मीन्स क्या है, 1 रुपये भी अगर आप अर्न करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट बुक होगा वो होगा 8,850 का। इट मीन्स बोलने का मतलब यही है कि कोई भी आप लाइक शेयर पकड़ लो जो कि लाइक FNO में आपको मिलते हैं, जितना करंट प्राइस ज़्यादा रहेगा उतना इसका लॉट साइज़ कम होता है, एंड जितना करंट प्राइस लो रहेगा उतना इसका लॉट साइज़ क्या बड़ा होता है। ये चीज़ मैंने देखा इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे देखें तो शेयर का प्राइस 194 पे 4 के आसपास ट्रेड हो रहा है, इस वजह से इसका लॉट साइज़ कितना दिया हुआ है 8,850 का, बिकॉज उतने में बहुत से ऐसे लॉट्स आ जाते हैं। बाकी यहाँ पे हम बात करें शेयर के, स्टॉक ने काफ़ी अच्छा लाइक एक सपोर्ट लेके अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ से, एंड इसके पहले भी बहुत बार ऐसा, स्टॉक जब भी एक लाइक हाई बनाता है उसके बाद स्टॉक क्या नीचे गिरता ही गिरता है, जैसे कि मैंने मार्क करके आपको दिखाया, जहाँ जहाँ मैंने मार्क किया वहाँ पर इसने क्या हाई बनाया अपना, एक उसके बाद नीचे गिरा है। तो यहाँ पे भी एक ऐसा स्टॉक ने हाई वाला नीचे गिरा, सो पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक क्या है यहाँ सपोर्ट इसने ऑलरेडी ले लिया, सो पॉसिबिलिटी कि वापस क्या है 200 तक इसके जाने के चांसेस हैं, एंड 200 अगर क्रॉस करेगा 210 तक भी जा सकता है। सो अगर आपको होल्डिंग भी करना रहेगा देन आप इसको होल्डिंग कर सकते हो। बाकी जिसको इसमें इंट्राडे एंड FNO करना रहेगा, फिर फ्यूचर में करना रहेगा ट्रेड, सो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, एंड इतना आप टारगेट पकड़ के चल सकते हैं इसमें। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे वेनेसडे के यानी आपको उसके लेवल्स आपको दिखा देती हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा के। यस, आई थिंक सो आपको पूरा चार्ट पूरा विजिबल होगा। सो यहाँ पे फिबोनाची की रिट्रेसमेंट लेवल फॉलो करें। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने लो पकड़ा 10 मई का, हाई जो मैंने पकड़ा है वो पकड़ा है किस दिन का, ये हमारा रहा 10 जुलाई का। सो 10 जुलाई का मैंने हाई पकड़ा है, वहाँ से अगर हम कैंडल्स फॉर्म करते हैं फिबोनाची के रिट्रेसमेंट लेवल बनाते हैं, सो हमारा जो गोल्डन जोन बता है 0.68% का इस लेवल से। एंड अगर आप देखें नोटिस भी करें, जितने बार भी इसने लेवल पे आया है उसके बाद स्टॉक ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिया है, सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी सेम वही हुआ है। उसकी बात कर लगातार स्टॉक के जो कैंडल्स से बुलिश फॉर्म मीन्स ग्रीन कैंडल फॉर्म हुए हैं लगातार, तो हमारा ये जो जोन होता है गोल्डन जोन यहाँ पे बन गया है। सो पॉसिबिलिटी है कि वेनेसडे के दिन भी अब यहाँ पे क्या बुलिश कैंडल फॉर्म हो सकता है, मीन्स ग्रीन कैंडल फॉर्म हो सकता है। सो हो सके तो 196 का आप एंट्री कीजिएगा, 201 का टारगेट रखिएगा वेनेसडे के दिन के लिए, एंड 190 का आपको सपोर्ट आपको पकड़ के चलना है। 190 का सपोर्ट तोड़ा सो 185 तक इसके जाने के चांस हैं। सो ध्यान में रख के आपको एंट्री करनी बैंक ऑफ बड़ौदा में। सो आई थिंक सब कुछ डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस, लाइक शेयर शुरू कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।